का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले लयूड लैब्स लिमिटेड, इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 15 रुपए की तेजी देखने को मिली और ये स्टॉक ऑलमोस्ट 4.5% के करीबन की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में 4.5% की तेजी देखने को मिली है, एक महीने के अंदर 15%, 3 महीने में 17%, परंतु 6 महीने में इस स्टॉक में 8% की गिरावट देखने को मिली है, 1 साल के अंदर 32% और 2 साल में 41% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिली है। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, परंतु शॉर्ट टर्म में 3 महीने से इस स्टॉक में लगातार निचले लेवल पर स्टॉक में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिला है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक में एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया अराउंड 620 रुपीज के इस स्टॉक में एक हाई बॉटम बना, ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न स्टॉक में नीचे के एक लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया अराउंड 280 रुपीज के इस स्टॉक में एक नीचे का लो लगा और यहीं से स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहेगा। स्टॉक में एक रुकावट रेंज है अराउंड 362 रुपीज इस स्टॉक में एक रुकावट रेंज है। जैसे स्टॉक 362 रुपीज का ब्रेकआउट देता है इस स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 345 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट अराउंड 420 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।